अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं टेजर बॉय और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पहले हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। अगर आपने कोई सिंगल न्यूज़ देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में टाइम मेंशन है, वहां से जाकर अपनी फेवरेट न्यूज़ देख सकते हैं। तो हिप हॉप सीन में पहले बात कर लेते हैं न्यू सॉन्ग्स के अपडेट्स के बारे में। तो रिसेंटली शम्स कारी का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है अंडररेटेड एंड इस सॉन्ग में उनके साथ फीचर्ड है शेज। तो बढ़ते हम अपनी स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले स्मैकी के बारे में। तो इनका भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है डियर गॉड एंड ऑल्सो गाइज बी का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है अलग जोन और इस सॉन्ग में उनके साथ फीचर्ड है फायर हीट। सो गाइज अगर आप लोगों सारे सॉन्ग सुनने हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले उमर अंजुम के बारे में। तो फाइनली उमर अंजुम और भगत का भी एक न्यू सॉन्ग आ चुका है एंड सॉन्ग का नेम है होमेज। अगर आप लोगों ने यह सॉन्ग भी सुना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने सॉन्ग सुन लिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको यह सॉन्ग कैसा लगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले पुटी टोपी गैंग के बारे में। तो रिसेंटली पुटी टोपी गैंग का एक न्यू सॉन्ग आ चुका है, सॉन्ग का नेम है काले कुर्ते एंड ये सॉन्ग बेसिकली उन्होंने इमरान अशरफ को डेडिकेट किया, उनका जो ड्रामा था मूसे वाला। सो या उसी के बारे में फिर इमरान अशरफ भी इस पर रिएक्ट करते हुए अपनी इंस्टा में पोस्ट शेयर की एंड साथ में कहा कि पुटी टोपी गैंग आई एम देयर ट्रू फैन ऑफ यू ऑल नो देयर लव फॉर मूसा, जिन्हें आप पसंद करें वो आपके किरदार को ट्रिब्यूट दे, दिस मींस अ लॉट, दिस गाइस आर फ्यूचर, इंशाल्लाह सपोर्ट देम, दे डिजर्व टू लिसन, वुल सॉन्ग लिंक इन बायो। सो गाइस आप लोगों ने इनका सॉन्ग सुना है तो मुझे बताना कि आप लोगों को इनका सॉन्ग कैसा लगा। वेल मैंने सुन लिया, काफी मजे का सॉन्ग था। तो बढ़ते हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले हाइजोन के बारे में। तो रिसेंटली हाइजोन रिकॉर्ड से एक इंस्टा पर स्टोरी शेयर की जो कि सुमी चौहान की थी। सुमी चौहान ने रिसेंटली अपनी इंस्टा पर स्टोरी शेयर की थी जिसमें उन्होंने रैप डिमांड की वीडियो के दौरान एक छोटा सा पार्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कमिंग सून। सो गाइस आपको ईद या फिर ईद से पहले रैप डिमन और सुमी चौहान का कोलैबोरेशन देखने को मिल जाएगा और इससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको मैं बता दूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले हैं आसिफ बली के बारे में। तो रिसेंटली आसिफ बली ने एक इंस्टा पर स्टोरी शेयर की जो कि एक पोस्ट थी और ये यंग स्टार्स के फैन पेज की थी और इनमें रिसेंटली जो आसिफ बली काके थाउजेंड और तलहा अंजुम की पिक्चर थी जिसपे उनको शेयर करते हुए उन्होंने ये लिखा था कि तुमने मेरे किसी ना किसी वक्त में उठाए। तो बेसिकली ये लाइन जो है ये तलहा अंजुम के सॉन्ग की है एंड इस चीज पे फिर यह करते हुए आसिफ अली कहे कि बट इस वक्त ये लोग हमारे और हमारी टीम के उठा रहे थे और ये यंगस्टर्स खुद जानते हैं कि अच्छी तरह हा 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 वीडियो के लिए बार बार कॉल आ हा हा आ चूचापे का इनका डायरेक्टर इनके टीटी चाटने के चक्कर में अपना दीन ईमान भूल गया है और झूठ बोलने में मसरूफ है, एल नहीं पट पाया मेरा जितना भी झूठ बोला, खुद ही फंसते गए। सो गाइस आपके सीन के बारे में क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले यंग स्टंट्स के बारे में। तो रिसेंटली यंग स्टंट्स को ऑफिशियली पेप्सी ने साइन कर लिया, सो जो इन फ्यूचर पेप्सी रैप बैटल्स होने वाले हैं उसमें आई थिंक यंग स्टंट्स या जजेस होंगे या फिर कुछ और, अभी तक इससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स तो नहीं मिली बट या यंग स्टंट्स उसमें ऑफिशियली साइन हो चुके हैं एंड इसकी म्यूजिक्स वगैरह बीट्स वगैरह जो है वो छोटा उमेर वगैरह क्रिएट करके देगा और इसी से रिलेटेड यंग स्टंट ने अपनी इंस्टा पर स्टोरी भी शेयर की थी विदाउट साउंड के। सो स्क्रीन में जैसे देख सकते हैं कि तलहा अंजुम, तलहा यूनस और उमेर भी साथ है और अब्दुल वली बलोच भी है। सो या इनके फ्यूचर में शायद कोई सीन अप होने वाला है, लेट्स सी क्या होता है, इससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो भी नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको मैं जरूर बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, हमारी अगली स्टोरी भी यंग स्टंट से रिलेटेड है और यंग स्टंट के सॉन्ग 9mm से रिलेटेड है। तो भाई स्टिल मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शायद यंग स्टंट के सॉन्ग की वीडियो डन हो चुकी थी बट आई वॉज रॉन्ग गाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बिकॉज यंग स्टंट का जो सॉन्ग है अभी भी शूटिंग वगैरह उसका चल रहा है, अभी भी उस पर काम चल रहा है, काम जारी है उस पर और कन्फर्म नहीं कि ये ईद पे आ गया फिर ईद से बाद। तो बस अभी तक मुझे इससे रिलेटेड इतनी अपडेट्स मिली कि यंग स्टार का जो सॉन्ग है 9mm वो अभी उस पर काम चल रहा है एंड जब तक चलता रहेगा और इससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स मिलेगी वो भी मैं आपको फ्यूचर में अपडेट करता रहूंगा। सो लोग काफी सारे पूछ रहे थे सवाल तो उनका जवाब फाइनली आपको मिल चुका है। सो लेट्स सी अब कब तक वो काम खत्म करते हैं एंड फाइनल आउटपुट कब तक आता है, इससे रिलेटेड भी कोई और अपडेट्स मिलेगी वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू आपको जरूर बताऊंगा। सो बढ़ते हैं अपनी इंग्लिश स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले हैं मिस्टर जे प्लेस के बारे में। तो रिसेंटली जे भाई ने भी अपनी इंस्टा पर स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि डक्की भाई एक्स नानी वाला एक्स मिस्टर जे प्लेस क्या बोलती है पब्लिक हो जाए मुकाबला एंड लास्ट में उन्होंने कहा था कि कमिंग सून। सो या आपको फ्यूचर में जे और डकी और नानी वाला देखने को मिलेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले रसमो के बारे में। तो रिसेंटली रसमो ने अपनी इंस्टा पर स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि माय अल्टीमेट मोटिवेशन टू बीइंग अ बीस्ट एंड गोइंग टू जिम इज फारिस शफी, ही हैड मी वन ही सेड और बॉडी बेंच ऐसी के सारी बच्चियां गीली हो। सो या आप लोगों को पता है कि ये फारिस शफी की एक लाइन है उनके सॉन्ग की, उसी से रिलेटेड वो कह रहे हैं कि भाई मैं उनसे इंस्पायर होके और इसी वजह से मैं जिम कर रहा हूं और मेरे जो बीस्ट मूड होता है ये फारिस शफी के इस लाइन की वजह से होता है, यानी कि उनके सॉन्ग की वजह से होता है। सो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, हम बात करने वाले अफगानिस्तान और थग जो पाकिस्तान के बारे में। तो रिसेंट अफगानिस्तान के किसी फैन ने थग जो पाकिस्तान की वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि अफगान भाई इस कुत्ते पर वीडियो बनाओ इस मैनिपुलेट एंड कैंसर वाले बंदे पे और साथ में उन्होंने थग जो पाकिस्तान को
रिप्लाई करके कहा कि तू चूचिया है। पर इस पर रिएक्ट करते हुए थग्स ऑफ पाकिस्तान ने उनको गालियां वगैरह दी, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, सो स्क्रीन पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। तो उनके फैन ने फिर अफगानिस्तान को भी ये चीज़ टैग करके कहा कि देखो भाई, और फिर इस पर रिएक्ट करते हुए अफगानिस्तान के लमाओ भाई अगली स्टोरी देखो। बेसिकली उन्होंने नेक्स्ट स्टोरी में यही चीज़ शेयर की थी जो कि थग्स ऑफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के फैन को गालियां वगैरह दी थी, जिसपे उन्होंने रिएक्ट करते हुए ये कहा था कि ब्रो दैट गाइस किड आई लव सो हार्ड OMG। सो आपके इस बारे में क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बढ़ते हुए अगली स्टोरी तो हम बात करने वाले खान साहब के बारे में। तो खान साहब ने रिसेंटली अपने YouTube चैनल के बारे में और उसका स्टैट वगैरह शेयर करते हुए दिखाया कि उनके लास्ट 28 डेज में -167 सब्सक्राइबर्स चल रहे हैं, जिस पर रिएक्ट करते हैं उनका कि 6 महीने से यही सीन चला हुआ है और अभी तक उनका यही प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। YouTube से बात भी की है, प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व नहीं हुई, एंड बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो YouTube को छोड़ रहे हैं, मतलब YouTube को नहीं छोड़े बट सोशल अपने अकाउंट से वो छोड़ रहे हैं एंड YouTube पे वीडियोस वगैरह अपलोड किया करेंगे। एंड कुछ वक्त तक के लिए उन्होंने कहा कि वो उस पर काम करेंगे, अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला ये सीन कंटिन्यूसली चलता रहा तो वो शायद ये YouTube छोड़ दें। सो आप स्क्रीन पोस्ट करके खान साहब की स्टोरीज वगैरह पढ़ सकते हैं। एंड यस गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बुरा लगे तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आपके पास YouTube या फिर किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई न्यूज़ अपडेट्स है तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ जाकर मुझे DM कर सकते हैं। मैं न्यूज़ देने वाले को वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट आउट भी दूंगा। एंड अगेन सॉरी गाइज, मेरी कुछ दिनों के लिए वीडियोस वगैरह शायद फिर डिले हो जाए, बट ईद के बाद भाई नॉन स्टॉप चलता रहेगा। सो भाई सब्सक्राइब कर देना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर एंड।